मेष पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से प्रेम और पारिवारिक संबंधों में प्यार बढ़ेगा। करियर में गंभीरता से विचार करें, आपके कामकाज में बदलाव हो सकता है। नए काम की प्लानिंग आपके दिमाग में चलती रहेगी। ऑफिस में कुछ लोग आपके काम को नोटिस करेंगे, आपकी इमेज भी अच्छी बन सकती है। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। प्रेमी या जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होने के योग है। आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ने के योग है। नेगेटिव पुराने मुद्दे न उठाएं। प्रेम जताने में संकोच ना करें। किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध शुरू करने के प्रति सावधान रहें जिसे आप नहीं जानते हैं। बीती बातों से आगे निकलने की कोशिश करें। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। कुछ मामलों में आपका कॉन्फिडेंस भी डगमग हो सकता है। मेहनत भी करनी पड़ेगी। कामकाज में टेंशन तो रहेगा। वाहन चलाते वक्त सावधानी भी जरूरी है। नौकरी और बिजनेस के मामले में तनाव और फालतू खर्चे के योग है। क्या करें? नमक के पानी से पैर धोएं। लव पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा, लेकिन आपके व्यवहार से दुखी भी हो सकता है। करियर अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। बिजनेस भी ठीक चलेगा। व्यापारिक यात्रा होने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ सेहत थोड़ी ठीक रहेगी। किसी भी तरह के दर्द में राहत मिलने के योग है। वृषभ मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। बिजनेस अच्छा चलेगा। इनकम बढ़ने के योग है। जीवन शैली या कामकाजी दिनचर्या में भी बदलाव हो सकते हैं। आपका मन भी उदार रहेगा। किसी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ बिताए गए समय से आपको भावनात्मक सुरक्षा महसूस हो सकती है। आप जो भी करेंगे, परिवार के लोग आपके लिए पूरी तरह मददगार हो सकते हैं। महत्वपूर्ण लोगों से कांटेक्ट के योग बन रहे हैं। आपकी कार्यक्षमता बढ़ सकती है। साझेदारी का कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। नेगेटिव किसी की बुराई ढूंढने में आपका समय खराब हो सकता है। लोगों की बुराई करने से दुश्मन पैदा होंगे। नेगेटिव सोच रखेंगे तो खुद ही परेशान हो सकते हैं। अपनी बुरी आदतों पर भी कंट्रोल करें। क्या करें? तिलक लगाएं। लव किसी को प्रपोज करेंगे तो आपको सोच के अनुसार रिस्पांस नहीं मिल सकेगा। पति पत्नी की लव लाइफ अच्छी हो सकती है। करियर दिन भर व्यस्त हो सकते हैं। अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करने से ही सफलता मिल पाएगी। हेल्थ पुराने रोग खत्म हो सकते हैं और आपकी सेहत में भी सुधार होने के योग है। मिथुन पांचवें पैसों की स्थिति में सुधार के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। कोई पार्ट टाइम काम भी हाथ में ले सकते हैं। कर्जा चुकाने या किसी बड़ी खरीदारी के लिए पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। समझदारी से काम लें। आलस्य और लापरवाही खत्म होगी। आप व्यस्त हो सकते हैं। आपका जो भी काम बाकी होगा उसे मेहनत से पूरा करवा सकते हैं। धैर्य और संयम रखकर काम करें। आज आपको सम्मान मिल सकता है। दिनचर्या व्यस्त और व्यवस्थित रहेगी। मकान की समस्या सुलझ जाएगी। बिजनेस में कोई फायदेमंद एग्रीमेंट होने के योग बन रहे हैं। नौकरी और बिजनेस में आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको पूरी सफलता भी मिल सकती है। नेगेटिव हर किसी पर भरोसा ना करें। आज आप बिजनेस कॉम्पिटिशन में न उलझे। किसी को पैसा उधार देने से बचें। झूठे वादे करने के कारण आप किसी विवाद में उलझ सकते हैं। क्या करें? से 10 मिनट किसी मंदिर में बैठे। लव किसी को प्रपोज ना करें। विवाद होने की संभावना बन रही है। ग्रह नक्षत्र आपके काम बिगाड़ सकते हैं। सावधान रहें। करियर बिजनेस का कोई मामला अदालत में है तो फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। कारोबार बढ़ेगा। जूनियर्स योग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। कोई टेंशन भी आज खत्म हो सकती है। हेल्थ व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है। पूरा आराम भी जरूर करें। Thank you.
कर्ता जेटिव अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे। नौकरी धंधे में फायदा देने वाले एग्रीमेंट हो सकते हैं, आपसे कुछ लोग इम्प्रेस भी हो सकते हैं, उन पर आपका पॉजिटिव असर पड़ेगा। आज आप लोगों से अपनी बातें मनवाने में भी सफल हो सकते हैं। नौकरी के इंटरव्यू आपके फेवर में होने की संभावना बन रही है। जॉब या बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। रोमांस के मामले में भी दिन अच्छा हो सकता है। भावुकता में संतुलन रखें। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। यात्राएं भी होंगी। संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नेगेटिव गुस्से पर काबू रखें, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर या प्रेम संबंधों के भविष्य को लेकर आपके मन में कई सवाल पैदा हो सकते हैं। छोटी या स्वार्थी सोच के कारण आपके रिश्तों में बदलाव आने के योग है। अपने इरादों का जिक्र किसी से ना करें। क्या करें, एक तरफ से सिकी हुई रोटी गाय को दें। लव प्रेमी के साथ प्यार से पेश आए। किसी और का गुस्सा उस पर निकालने से बचे। करियर रसमय आपके फेवर में रहेगा। बिजनेस में प्रगति के योग बन रहे हैं। मेडिकल और कानूनी विषय पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। हेल्थ सिर या पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं। भोजन पर ध्यान दें। सिंह पॉजिटिव, कोई बड़ा काम करने से पहले किसी समझदार से सलाह जरूर करें। बिजनेस का कोई नया सौदा या निवेश करने का विचार भी हो सकता है। अपने विचारों या रूटीन लाइफ में थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। जहां जरूरत लगे वहां समझौता करने के लिए तैयार रहे। सामूहिक काम निपटाने के लिहाज से दिन अच्छा है। पुराने दोस्त अचानक सामने आ सकते हैं और उनसे मदद मिल सकती है। आपने किसी दोस्त से कोई वादा किया हुआ है तो उसका ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी। नेगेटिव नौकरों पर ज्यादा भरोसा ना करें। कोई उलझी हुई स्थिति सामने आ सकती है। नौकरी और कारोबार में पैसों का मामला उलझ सकता है। टेंशन बना रह सकता है। हर मामले पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। कोई पुराना डर भी परेशान कर सकता है। कुछ कामों में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। कोई खास काम निपटाना भी भूल सकते हैं। रुकावटें आ सकती हैं। क्या करें, किसी मंदिर में फूल का इत्र दान दें। लव अविवाहित लोगों के प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है। अनबन होने के योग हैं। भस से बचें। करियर बिजनेस में फायदा कुछ कम होगा। ट्रांसफर की स्थिति बन सकती है या ऐसी कोई खबर भी आपको मिल सकती है। स्टूडेंट्स भी परेशान हो सकते हैं। हेल्थ, पानी से संबंधित बीमारी की संभावना बन रही है। सावधान रहे। कन्या पॉजिटिव, बिजनेस या नौकरी के किसी काम से यात्रा हो सकती है। अचानक धन लाभ के योग हैं। परिवार को आपकी जरूरत होगी। आज आप सिर्फ तथ्यों और सबूतों के आधार पर बातें करें। नौकरी पेशा और बिजनेस वाले लोग सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसी अनुभवी की सलाह लें तो ही अच्छा है। दोस्तों की मदद करनी होगी। दोस्तों से अपनेपन का एहसास हो सकता है। अधिकारियों से मदद मिल सकती है। कामकाज में सुधार होगा। अच्छे काम करने की इच्छाएं होंगी। नेगेटिव, आप किसी भी मामले में भावुक ना हो। थकावट के कारण आप सुस्त हो सकते हैं। ज्यादा भावुक होने से आपको नुकसान हो सकता है। आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। गैर कानूनी और गलत काम करने की कोशिश ना करें। क्या करें, किसी गरीब को आम खिलाएं। लव जीवन साथी या लवर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। आपके प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। करियर, नया कार्यालय या दुकान खरीदने का मन बन सकता है। कारोबार के लिए यात्रा होगी। प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग हो सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, सेहत थोड़ी ठीक रहेगी। वाहन ध्यान से चलाएं, चोट लगने के योग बन रहे हैं। तुला पॉजिटिव, दोस्तों और भाइयों की मदद से आत्मविश्वास बढ़ने के योग हैं। बड़े फैसले हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी और बढ़ सकता है। ज्यादातर काम आराम से निपटाने में सफल रहेंगे। आज आप पुराने कामों का फॉलो अप जरूर लें। अपने प्रेजेंटेशन या प्लान एक बार चेक करें। अधिकारियों से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दिन अच्छा है। आपकी बातों पर विचार भी हो सकता है।
लोगों से मिलते रहेंगे और आपको कुछ रोचक बातें पता चल सकती हैं। अपने अच्छे और भरोसेमंद दोस्तों से कांटेक्ट रखें। समय और जरूरत पड़ने पर उनसे मदद मिल सकती है। किसी खास व्यक्ति के बारे में आपको नई बात पता चल सकती है। जरूरत के मुताबिक पैसों की व्यवस्था हो सकती है। दोस्तों से मतभेद दूर होने के योग है। नेगेटिव काम को लेकर किसी तरह का डर मन में ना रखें। विपरीत लिंग के कुछ लोगों से भस हो सकती है। मतभेद के भी योग हैं। साथ के कुछ लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहे। क्या करे गौशाला में पैसा दे। लव साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। करियर नौकरी और बिजनेस में टारगेट की चिंता हो सकती है। बिजनेस में कर्मचारियों से परेशानी हो सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स आलस और थकान भी महसूस कर सकते हैं। हेल्थ सावधान रहे। मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं। वृश्चिक राशि पुरानी चीजों में सुधार या बदलाव की संभावना है। कंप्यूटर पर काम करने वाले इस राशि के लोग अपने सिस्टम को व्यवस्थित कर सकते हैं। आज आप खुद पर कंट्रोल करें तो ही अच्छा है। खुद को साबित करने का दिन है। रोजमर्रा के मामलों में दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आज आपको सोचे हुए काम निपटाने में सफलता मिल सकती है। अपने पेशे में पूरी तरह सफल भी हो सकते हैं। अधूरे काम भी निपट सकते हैं। कामकाज बढ़ सकता है। संपत्ति के कामों में रुचि बढ़ने के योग है। फायदा हो सकता है। शारीरिक परेशानियां भी कुछ कम हो सकती है। नेगेटिव छोटी सी बात पर गुस्सा करके आप अपनी बनी बनाई बात बिगाड़ भी सकते हैं। इस राशि के लोग अपनी मानसिक स्थिति को समझें और अपनी गलतियों को ना दोहराएं। क्या करें सोयाबीन या सरसों के तेल से बनी चीज दूसरों को खिलाएं। लव अविवाहित प्रेमियों के लिए दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ पुरानी बातों को भूलना होगा तो सब ठीक हो जाएगा। करियर बिजनेस में दोस्तों से मदद मिल सकता है। धंधा भी अच्छा चलेगा। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत का समय है। हेल्थ गैस और एसिडिटी हो सकती है। भोजन पर ध्यान दें। धनु पॉजिटिव आपकी सोच और प्लानिंग साफ रहेगी। अपनी बातचीत और तर्कों से किसी को भी सहमत कराने में आप सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। आपको कुछ अलग तरह के अनुभव भी हो सकते हैं। आप किसी काम को पूरा करने के लिए जितनी कोशिशें करेंगे उतने ही सफल हो सकते हैं। नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। खर्चों में कमी हो सकती है। संतान पर नजर रखने की कोशिश करें। नेगेटिव ऑफिस में आपको ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। मन में आती कुछ बातें आपको दुखी कर सकती है। भावनाओं और गुस्से पर कंट्रोल करें। रोजमर्रा के कामों में मन नहीं लगेगा। आप अति उत्साह और जल्दबाजी में कोई काम बिगाड़ भी सकते हैं। भोजन के मामले में आप थोड़े लापरवाह भी हो सकते हैं। क्या करें किसी मंदिर के पुजारी को फल या मिठाई दे। लव प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर बिजनेस बढ़ेगा। पैसा निवेश करने के लिए कोई नई योजना भी आपके सामने आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। हेल्थ थकान और नींद की कमी से भी परेशान हो सकते हैं। किसी तरह की बेचैनी भी हो सकती है। मकर पॉजिटिव जो चीज कल तक समझ से दूर थी वह आसान हो सकती है। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। कामकाज में दिया गया समय आपको फायदा देगा। पैसों के कुछ मामले आज आप पर हावी हो सकते हैं और आप पैसों के जुगाड़ में लग जाएंगे। पैसों से जुड़े कुछ वादे या बड़े प्लान आप बना सकते हैं। अपने ही कुछ बड़े फैसलों पर आपको नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। आपको कुछ समझौते भी करने पड़ सकते हैं। कामकाज या बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। बिजनेस में फायदेमंद सौदे होने की संभावना है। नेगेटिव वाहन मशीनरी के काम सावधानी से करें। चोट लगने का डर है। कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। पुराने दुश्मन भी आपको परेशान करेंगे। कुछ कामों में फालतू दौड़ भाग हो सकती है। क्या करें छेने वाली मिठाई खाएं या किसी को खिलाएं। लव आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। लव लाइफ के लिए भी दिन अच्छा है। नए प्लान बन सकते हैं।
करियर आप ऑफिस के फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। दूसरों के काम और बातों में दखल देने से बचें। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। सहयोग भी मिल सकता है। हेल्थ कफ और गले के रोग हो सकते हैं। आज आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। या फील्ड के लोग आपकी बातें मान सकते हैं। किसी व्यक्ति से कोई बात या सौदेबाजी करनी हो तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। लोगों से मेलजोल बढ़ सकता है। दोस्तों का साथ भी मिलेगा। सरकारी कामों में आ रही परेशानियों में राहत मिल सकती है। नौकरी धंधे को लेकर आपकी योजना सफल होने के योग है। आज आप जरूरी कामों पर ध्यान दें। जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। नेगेटिव अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें। नौकरी बदलने का मूड है तो संभल कर रहे। आज ऐसी कोशिश ना करें। आपके काम सरलता से पूरे होने में परेशानी आ सकती है। सामाजिक तौर पर व्यस्तता बढ़ सकती है। हाथ आई चीज या कोई मौका आज फिसल सकता है। बिजनेस करते हैं तो आज आप कुछ मामलों में उलझ भी सकते हैं। छोटी मोटी भस से मूड खराब होने के योग है। क्या करें, किसी भी मंदिर में हलवे का भोग लगाएं। लव वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता के योग है। करियर नौकरी में बेकार के कामों में आप उलझ सकते हैं। बिजनेस में फायदेमंद बड़े सौदे हो सकते हैं। अच्छे नतीजों के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ सर दर्द और कफ रोग की संभावना है। आज अपनी सेहत का ध्यान रखें। मीन पॉजिटिव विनम्रता और व्यवहार कुशलता से आपको फायदा हो सकता है। आपको कई तरह के काम संभालने होंगे। मानसिक शांति और सहयोग मिल सकता है। आज आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपको काम करने और काम निकालने के लिए अपना व्यवहार संतुलित रखने की जरूरत है। आप दूसरों की जितनी मदद करेंगे खुद भी उतने ही फायदे में हो सकते हैं। रचनात्मक काम करने में फायदा हो सकता है। कुछ लोग आपका एहसान भी मानेंगे। नई योजनाएं भी आज बन सकती हैं। कामकाज में सुधार होने के योग बन रहे हैं। नेगेटिव अपने स्वभाव में उग्रता न आने दें। इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। किसी को अपनी तरफ से नाराज ना करें। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। आज आप जीवन साथी का दिल भी दुखा सकते हैं। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव की संभावना है। एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। क्या करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। लव प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लवर की किसी बात से आप दुखी हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों को जीवन साथी की मदद मिल सकती है। करियर बिजनेस में फायदे के योग हैं। कार्यस्थल पर वातावरण भी आपके फेवर में हो सकता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। दिन भी अच्छा रहेगा। हेल्थ सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। समय पर भोजन ना करने से परेशानी हो सकती है।